वो दिन नहीं रहे जैसे हम लोग स्ट्रगल करते थे। अब जब गांव से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं, सौरभ चौधरी जैसे शूटर, मनु भाकर जैसे शूटर स्मॉल टाउन से ऊपर आ रहे हैं, वर्ल्ड नंबर वन बन रहे, फ्रॉम द फर्स्ट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में शूटिंग वॉज देयर, टुडे शूटिंग इज देयर, एंड द पर्सन जिन्होंने ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट किए वो शूटर ही थे। अब इंडिया में देखिए, अगर इंडियन टीम की भी बात किया जाए, अगर वो स्पोर्ट नहीं कहते हैं तो कैसे अनफेयर होगा। देखिए ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना बहुत बड़ी बात होती है और किसी के भी खिलाड़ी की लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, तो आई एम नॉट डिफरेंट। एंड जब ये खबर मिली कि मुझे मैं क्वालिफिकेशन कर चुका हूँ और टीम में जगह मिल गई है, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि फरवरी महीना मेरे पिताजी भी थे उधर बैठे हुए, जब खबर आई हमारे पास कि आपका चयन हो गया है ओलंपिक्स के लिए, तो उस टाइम में कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर वो थोड़ा सिंक इन हुआ है कि हाँ, फाइनली इतने मेहनत के बाद, इतने दिनों के बाद ये मौका मिल रहा है कि मैं रिप्रेजेंट करूँगा कंट्री को। थोड़ा दिक्कतें तो थी क्योंकि शूटिंग हमारे टाइम में ज़्यादातर के मैं कहूँगा कि उतना भी आसान नहीं था, और आई कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, जो पेरेंट्स थे वो हमेशा कोशिश तो करते रहे मगर फिनेंशियली हमेशा सपोर्ट नहीं कर पाए मुझे, तो यस दुख नहीं बोलूँगा मगर डेफिनेटली कठिनाइयों का मतलब सामना करना पड़ा। शूटिंग एक्सपेंसिव जो आप कह रहे हो ये कुछ हद से हद तक सही है, मगर ऐसा भी इवेंट है जो थोड़ा सस्ते में कर सकते हैं, जैसे एयर वेपन का ट्रेनिंग जो है उसमें गोलियों का खर्चा बहुत कम है, 1 रुपये करके गोली है तो आप कर सकते हो, इट इज़ अफोर्डेबल। 50 गोली भी आप चलाते हो दिन में तो 50 रुपये का खर्चा है। अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को तो उनको इक्वल मायने देना चाहिए, और मैं काफ़ी दुखी था जब मैंने सुना है कि जब इंटरनल मीटिंग हुआ था तो हमारे ही कोई मतलब शूटिंग के ही कोई बंदा उधर जाके कहा कि इनसे कोई उम्मीद नहीं है मेडल की, तो इनको पैसा नहीं दिया जाए तो भी ठीक है, तो दैट वाज नॉट करेक्ट, दैट वाज अनफेयर ऑन मी आई थिंक। चार में देखिए तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता सिल्वर, उसके बाद ओनली इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फ्रॉम ओलंपिक्स अभिनव बिंद्रा 2008, उसके बाद 12 में गगन नारंग जी और विजय कुमार सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते, और 2016 में थोड़ा निराश रहे हम लोग शूटिंग टीम से, एक भी पदक नहीं आया, मगर 2020 में जैसे हम लोग फिर से देख रहे हैं बहुत ही चांसेस बढ़ रहे हैं कि शूटिंग टीम से। अब जब गांव से आ रहे हैं, टाउन से आ रहे हैं, सौरभ चौधरी जैसे शूटर, मनु भाकर जैसे शूटर स्मॉल टाउन से ऊपर आ रहे हैं, वर्ल्ड नंबर वन बन रहे, तो लोगों की उम्मीद भी बढ़ रही है कि भाई हाँ इसमें भी हो सकता है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो उतना नहीं चाहिए जैसे एक 100 मीटर स्प्रिंट का होगा या वेट लिफ्टर का होगा, डेफिनेटली एवरी स्पोर्ट हैज़ गॉट देयर ओन डायनामिक्स, तो ये अलग स्पोर्ट है। स्पोर्ट शूटिंग को नहीं मानते ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ओलंपिक्स में अगर देखा जाए, फ्रॉम द फर्स्ट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में शूटिंग वॉज देयर, टुडे शूटिंग इज देयर, एंड द पर्सन जिन्होंने ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट किए वो शूटर ही थे। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा उम्र के जो एथलीट जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है वो 72 साल के ऑस्कर स्वान है, वो भी शूटर है।
अब इंडिया में देखिए, अगर इंडियन टीम की भी बात किया जाए, अगर वो स्पोर्ट नहीं कहते हैं तो कैसे अनफेयर होगा। सबसे जो यंगेस्ट प्लेयर है इंडियन टोटल टीम में, 18 साल के दिव्यांश पनवर, 45 साल के मेराज अहमद खान सबसे एल्डेस्ट, लेडी सबसे एल्डेस्ट 41, वो भी एक शूटर है। तो आप देखिए, एक 18 साल के लड़का भी कर सकता है शूटिंग, ओलंपिक्स में जा रहा है। 45 साल के भी एक शूटर है जो जा रहा है। अब जब सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, रिजल्ट का ज़रूरत नहीं है, और आप मतलब बेचैन भी नहीं हो रहे हो कि कोई आगे बढ़ रहा है, मैं भी नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेनिंग बंद है, तो दुनिया भर में सब कुछ बंद है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, कोई आगे नहीं जा रहा है आपसे, तो सब लेवल पे सेम है। तो आप अपने आप के बारे में सोचो, अंदर जाओ और आपका जो ड्रीम है, आपका जो मेंटल पावर है, उसको डेवलप करो। एंड ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट शूटिंग स्पोर्ट, जो नॉलेज है वो नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हम लोग बिजी रहते हैं, ओनली शूटिंग एंड ट्रेनिंग एंड रिजल्ट। तो उसके बाहर जाके, रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बाहर जाके भी नॉलेज गेन का होता है, सब कुछ होता है। ये एम्फेसिस किया मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग में। फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बीइंग इन द ओलंपिक्स, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ड्रीमिंग टू फ्लाई द ट्राइकलर, ये तो बहुत ही बड़ी बात होती है। और हम लोग सब साथ में हैं उनके, हमारे हैशटैग जो है चीयर्स फॉर इंडिया तो वैसे जारी रहेगा, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम अस। एंड प्लीज़ डू नॉट थिंक कि वी आर ओनली अ बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन यू, वी आर लविंग यू। इवन इफ यू फेल, इवन इफ यू बिकम लास्ट, यू कम बैक टू द कंट्री, वी विल लव यू द सेम वे वी आर लविंग नाउ।